इस वक्त मैं उसी रेमंड के शोरूम के बाहर खड़ा हूं जहां पे अज्ञात हमलावरों ने एक दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रिठोज गांव के रहने वाले सुखबीर चेयरमैन के रूप में हुई है। सुखबीर रेमंड शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए पहुंचा था, उसी वक्त पहले से ही घात लगाकर बैठे 5 अज्ञात हमलावरों ने शोरूम में खरीदारी के दौरान सुखबीर चेयरमैन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हथियारों की पहचान कर रही है। सुखबीर चेयरमैन को अज्ञात हमलावरों ने जिस वक्त गोली मारी उस वक्त बड़ी संख्या में खरीदार और शोरूम के कर्मचारी भी वहाँ मौजूद थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ अफरा तफरी मच गई और हमलावरों ने सुखबीर चेयरमैन के ऊपर एक के बाद एक कई गोलियाँ बरसा दी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल तक पहुँचते तक सुखबीर की मौत हो चुकी थी। A man has been shot dead outside Raymond's showroom in Sadar Bazar area of Gurugram. The victim had come to purchase some clothes from the showroom. The accused had been following the deceased for a very long time. The entire incident has been caught on the CCTV camera and the police has started its investigation into the case. The body has been taken into custody and further investigation on the case is on. एक आदमी को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई, अभी उस आदमी के बारे में पता किया जा रहा है, वो आदमी कौन है और उसके बारे में सारी जानकारी। कितने लोग थे जो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल अभी पुलिस जांच में लग रही है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा रहा है कि टोटल कितने लोग थे और इसकी पूरी जाँच कर रही है। जितेंद्र शर्मा, इंडिया हेड, गुरुग्राम।